नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ मिले तो तुम्हें बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ में। लखनऊ से खबर, जहां पर यूपी बीजेपी की बड़ी बैठक जारी है। नई प्रदेश टीम बनने के बाद पहली बड़ी बैठक, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, धर्मपाल सिंह शामिल है और सभी नवनियुक्त प्रदेश पदाधिकारी भी मौजूद है। क्षेत्रीय संगठन जिलाध्यक्षों में बदलाव पर चर्चा भी संभव है। तो बड़ी खबर आपको बता रही है इस वक्त की, और बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, धर्मपाल सिंह भी शामिल है और बीजेपी की प्रदेशीय जो बैठक है नई टीम की वो लगातार चल रही है। तमाम पदाधिकारी शामिल हैं और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल है। इसके साथ ही बता दें कि भूपेंद्र भी इस बैठक में शामिल हैं। तो प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र भी बैठक में शामिल हैं। यूपी बीजेपी की बड़ी बैठक है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, धर्मपाल सिंह शामिल हैं, सभी नवनियुक्त प्रदेश पदाधिकारी भी मौजूद हैं। क्षेत्रीय संगठन जिला अध्यक्षों के बदलाव पर चर्चा संभव है और बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो यूपी बीजेपी की बड़ी बैठक चल रही है, तमाम पदाधिकारी शामिल है। नई प्रदेश टीम बनने के बाद ये पहली बड़ी बैठक है जो की काफी महत्वपूर्ण है। रणनीति बनाई जाएगी, फैसले होंगे, इसके साथ ही जो बदलाव हुए हैं या और बदलाव हो सकते हैं उनको लेकर चर्चा होगी। और भूपेंद्र चौधरी प्रदेश अध्यक्ष शामिल है, सभी नवनियुक्त प्रदेश पदाधिकारी भी बैठक में मौजूद है। तो बड़ी खबर बता दें कि पहली बैठक है ये प्रदेश की जो नई टीम गठित हुई है उसके बाद। नवनियुक्त बीजेपी कार्यकारिणी की पहली बैठक लखनऊ स्थित बीजेपी कार्यालय में जारी है। ब्यूरो चीफ राघवेंद्र पांडे की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देखिए। पदाधिकारी भाजपा पदाधिकारियों की बैठक शुरू हो चुकी है। देख लीजिए किस तरह से प्रदेश भर के नई जो टीम घोषित हुई है वो यहाँ पर आई है। सभी उपाध्यक्ष आए हैं, सभी महामंत्री आकर यहाँ पर बैठे हुए हैं, सभी प्रदेश मंत्री आए हुए हैं, सभी क्षेत्रीय अध्यक्ष आए हुए हैं, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और प्रभारी जो राधा मोहन सिंह हैं, सांसद हैं, जो उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं, वो भी इस बैठक में आए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि मुख्य मंच पे राधा मोहन सिंह बैठे हैं, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी का स्वागत भी हो रहा है। ये धर्मपाल सिंह भी बैठे हैं, प्रदेश महामंत्री संगठन। तो इस तरह से जो आज जो नव नियुक्त जो कार्यकारिणी है आज उसकी पहली बैठक आहूत की गई है और आगामी चुनावों को लेकर, साथ ही भारतीय जनता पार्टी अपने स्थापना दिवस को लेकर जो रणनीति बनाएगी आज उस पर मंथन भी होगा। कैमरामैन नफीस के साथ राघवेंद्र पांडे, इंडिया न्यूज, लखनऊ। राघवेंद्र, यूपी बीजेपी की बड़ी बैठक चल रही है और कितनी देर हो गई है बैठक को शुरुआत हुई और क्या कुछ चल रहा है अभी बैठक में? मेरी आवाज मिल रही है राघवेंद्र? राघवेंद्र, मेरी आवाज मिल रही है? राघवेंद्र बताइए कितनी देर से बैठक चल रही है, क्या कुछ चल रहा है, अपडेट क्या है बैठक को लेकर? जी, बैठक शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी की जो ये नई कार्यकारिणी जो घोषित हुई है आज उसकी ये पहली बैठक है, ये परिचयात्मक बैठक है, लेकिन इस बैठक में कई एजेंडे सेट किए जाएंगे। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी 1980 में जिसका स्थापना हुआ था उसका 6 अप्रैल को 44 वर्ष पूरा होने वाला है। इस 44 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में कार्यक्रम करेगी। साथ ही निकाय चुनाव सुप्रीम कोर्ट के हरी झंडी के देने के बाद निकाय चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी रणनीति बनाएगी। और ये जो पदाधिकारियों की जो नई टीम घोषित हुई है ये 2024 की टीम कही जा रही है। तो लोकसभा का जो लक्ष्य है 80-80 सीट जीतने का भारतीय जनता पार्टी, उस पर उन अभियानों पे चर्चा होगी, उन कार्यक्रमों पे चर्चा होगी। कुल मिला के ये पहली बैठक है, परिचयात्मक बैठक है, लेकिन इसमें कई एजेंडों पे बात होगी। जी बिल्कुल, इसके साथ ही कौन कौन शामिल है बैठक में? इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी हैं, संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह हैं और प्रभारी राधा मोहन सिंह हैं, जो बिहार से हैं, जो सांसद हैं,
जो भारतीय जनता पार्टी के स्टेट प्रभारी हैं वो भी इस बैठक में, साथ ही सभी महामंत्री, सभी प्रदेश मंत्री, सभी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष, उसके साथ जो छह के छह जो इनके क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं जो चेंज हुए हैं, सभी बदले गए हैं, वो भी इस बैठक में शामिल हैं। तो कुल मिला के जो नई कार्यकारिणी घोषित हुई है, नई पदाधिकारियों की जो टीम घोषित हुई है, वो इस बैठक में सम्मिलित है। सभी लोग आए हुए हैं और आगामी कार्यक्रम, अभियान, भारतीय जनता पार्टी स्थापना दिवस, निकाय चुनाव 2024, लोकसभा चुनाव, इन तमाम विषयों पर आज यहां पर चर्चा होगी। बिल्कुल, इसके साथ ही ये भी बताया जा रहा है राघवेंद्र की अभी और भी बदलाव होने हैं, उन बदलावों को लेकर भी चर्चा हो सकती है। जी, क्या कह रही हैं? अभी ये भी बताया जा रहा है कि और भी बदलाव होंगे जिला स्तरीय तौर पर, और उसको लेकर भी अभी इस बैठक में चर्चा हो सकती है। देखिए, अभी प्रदेश की कार्यकारिणी गठित हुई है, प्रदेश की टीम बनी है, इसके बाद अभी जितने भाजपा के जो 7 मोर्चे हैं, 7 मोर्चों के अध्यक्षों की घोषणा होनी है, वो कभी भी हो सकता है। उसके बाद जब प्रदेश के जब मोर्चा के जब अध्यक्ष घोषित होंगे तो वो अपनी अपनी टीम पूरे जिले तक बनाएंगे, बूथ तक अपना विस्तार वो करेंगे। साथ ही भारतीय जनता पार्टी मीडिया की टीम अभी घोषित नहीं हुई, उसमें वक्त लगेगा, 1-2 हफ्ते लगेगा। तो जब ये प्रदेश की जब मीडिया टीम घोषित होगी तो वहाँ भी एक देखा जाएगा कि किस तरह किन लोगों को मौका मिला है। तो कुल मिला के अभी जो महामंत्री घोषित हुए हैं, प्रदेश के उपाध्यक्ष घोषित हुए हैं, प्रदेश के मंत्री घोषित हुए हैं, क्षेत्रीय अध्यक्ष सभी बनाए गए हैं नए, तो ये टीम अभी आई है। आने वाले समय में आपको मोर्चों की टीम दिखाई देगी, मीडिया की टीम दिखाई देगी, और निचले स्तर पे जो इनका संगठन है, जो ढांचा है, वहां पर भी आपको बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। चलिए, ठीक है।